तो कैसे हैं आप लोग? आपका स्वागत है इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास सिक्स का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर टू, और ये वीडियो है इस चैप्टर का वीडियो नंबर थर्ड। इसके पहले भी हमने दो वीडियोस किए हैं इस चैप्टर के ऊपर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप वो वीडियो देख लें, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उन प्लेलिस्ट का भी लिंक है और उसके पिछले वाले वीडियो का भी लिंक है, तो आप उसे देख लें तभी आप इस वीडियो को कंटिन्यू करें, क्योंकि इसके पहले भी कुछ चीज़ें मैंने बताई हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहेंगी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, यहाँ तक हमने लैटिट्यूड्स पढ़े थे, लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, और टेम्परेचर जोन्स को पढ़ा था, और भी बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ी थी लैटिट्यूड्स से रिलेटेड। और अब हम पढ़ने वाले हैं लॉन्गिट्यूड्स को, कि आखिर लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं और लॉन्गिट्यूड्स किस यूज़ में आते हैं। तो देखिए, वहाँ पर हमने देखा था कि ये जो लाइन्स खींचे गए हैं इमेजनरी लाइन्स, उसका यूज़ क्या है। उसका यूज़ जनरली किसी भी जगह का स्पेसिफिक पोजीशन यानी स्पेसिफिक लोकेशन, एक्यूरेट लोकेशन पता लगाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर टेक्स्ट के साथ शुरुआत हम करते हैं। टू फिक्स द पोजीशन ऑफ अ प्लेस इट इज़ नेसेसरी टू नो समथिंग मोर देन लैटिट्यूड ऑफ दैट प्लेस। तो देखिए, वहाँ पर हमने देखा था कि लैटिट्यूड जो है वो एक इमेजनरी लाइन है, और वो इस तरह से लाइन खींची गई है। तो जैसा आप यहाँ देख सकते हैं इमेज में, इस तरह से लाइंस खींचे गए हैं अर्थ के ऊपर। तो देखिए, अर्थ के ऊपर जो सरफेस एरिया है वो बहुत ही ज़्यादा है, तो इस लाइन के ऊपर कोई हो सकता है जगह यहाँ पे हो और दूसरा जगह यहाँ पे हो, तो ये दोनों एक तरह से इनका लोकेशन उस लैटिट्यूड के मुताबिक एक ही है, लेकिन ये रियलिटी में एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा दूर है। तो इस वजह से लैटिट्यूड से केवल हमारा काम नहीं चलने वाला था, इसलिए एक और लाइन की हमें ज़रूरत थी, जिसे कहा जाता है लॉन्गिट्यूड। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इस तरह से लाइन खींचे गए हैं, ये ही लाइन है लॉन्गिट्यूड्स। तो आइए अब हम लॉन्गिट्यूड्स के बारे में आगे पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर वही चीज़, वैसा ही एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है आगे। ये देखिए, टोंगा आइलैंड्स जो कि है पैसिफिक ओशियन में, और मॉरिशस आइलैंड जो कि है इंडियन ओशियन में, ये दोनों सिचुएटेड हैं सेम लेटिट्यूड पर, यानी 20 डिग्री साउथ पर। 20 डिग्री साउथ पर ये सिचुएटेड हैं, तो उस वजह से अगर लैटिट्यूड के मुताबिक हम देखें तो इनका लोकेशन बिल्कुल सेम होगा। इनका लोकेशन, स्पेसिफिक लोकेशन हमें पता नहीं चलेगा, जबकि ये एक दूसरे से हजारों किलोमीटर दूर हैं। तो उन्हें प्रिसाइजली लोकेट करने के लिए, नाउ इन ऑर्डर टू लोकेट देम प्रिसाइजली वी मस्ट फाइंड हाउ फार ईस्ट और वेस्ट दीज प्लेसेस आर फ्रॉम गिवन लाइन ऑफ रिफरेंस रनिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। तो देखिए, एक दूसरे से उनके दूरी को, पॉइंट को निकालने के लिए हमें एक रिफरेंस पॉइंट चाहिए होगा, कि जिसे हम एक यूनिवर्सल, क्या कहते हैं, हम जिसके मुकाबले हम कंपेयर करें कि एक इस जगह से कितना ईस्ट है और एक दूसरे कितना वेस्ट है, सॉरी इधर ईस्ट होता है इधर वेस्ट होता है, कितना ईस्ट है कितना वेस्ट है, तब हमें एक तरह से पता चलेगा कि आखिर वो एक दूसरे से कितना दूर हैं। तो इसीलिए हम यूज़ करते हैं हमारे लॉन्गिट्यूड्स का। और ये जो लाइंस हैं, दिस लाइंस ऑफ रेफरेंस आर कॉल्ड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। तो देखिए, ये जो लाइंस खींचे गए हैं रेफरेंस के लिए, इन लाइंस को कहा जाता है मेरिडियंस, लॉन्गिट्यूड्स के मेरिडियंस, लॉन्गिट्यूड्स ऑफ मेरिडियन, सॉरी मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे के टेस्ट को पढ़ते हैं। एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम आर मेजर्ड इन डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। तो देखिए, वो जो लाइंस हो गए, जैसे कि मैं यहाँ आपको दिखा देता हूँ कि वो जो इमेज में आप देख सकते हैं कि ये जो लाइंस खींचे गए हैं, ये तो मेरिडियन हो गए, ये सारे मेरिडियन हो गए, ये वाला इस तरह से सारे ये मेरिडियन हो गए, और इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको नापा जाता है डिग्री ऑफ मेरिडियन के हिसाब से, यानी उनके बीच में कितनी डिग्री का डिफरेंस है पोल के ऊपर, क्योंकि पोल पर सारे जो मेरिडियंस हैं वो एक दूसरे से मिल जाते हैं। इस डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड इंटू मिनट्स एंड मिनट्स इंटू सेकेंड, दे आर सेमी सर्कल एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीजेज स्टेडली पोलवार्ड्स अंटिल इट बिकम जीरो एट द पोल्स वेयर ऑल द मेरिडियंस मीट। तो देखिए, ये जो डिग्री होता है, ये एक डिग्री पर एक मेरिडियन इस तरह से है, लेकिन उस डिग्री को भी काफ़ी पार्ट्स में डिवाइड किया गया है ताकि प्रिसाइजली लोकेशन पता लगाया जा सके। जैसे यहाँ पर है, एक मेरिडियन है, दूसरा मेरिडियन है, तीसरा मेरिडियन है, चौथा मेरिडियन है, इस तरह से बहुत सारे मेरिडियन हैं। तो इन मेरिडियंस को
सही तरीके से पता लगाने के लिए इनके बीच का डिफरेंस मतलब इन यहाँ पर जो लोकेशन है उनका लोकेशन प्रिसाइजली पता लगाने के लिए एक डिग्री को, एक जो डिग्री होता है उसे मिनट में डिवाइड किया जाता है, और फिर एक मिनट को फिर सेकंड में डिवाइड किया जाता है। तो एक डिग्री में 60 मिनट हो गया, मैं इधर लिखता हूँ शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, एक डिग्री में आपका 60 मिनट हो गया और एक मिनट में हो गया आपका 60 सेकेंड। एक मिनट में 60 सेकेंड, एक डिग्री में 60 मिनट। तो देख सकते हैं एक डिग्री को कितने सारे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। और अब हम अपना टेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। और ये देखिए, ये तो हमने यहाँ देख लिया कि मेरिडियंस को किस तरह से डिवाइड किया गया है। इसके बाद तो ये जो सारे लाइंस हैं, ये मेरिडियंस एक तरह का सेमी सर्कल फॉर्म करते हैं। वो कैसे, वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये जैसे अर्थ है, उतना अच्छा मेरा सर्कल नहीं बन रहा है, फिर से बना देता हूँ। ये अर्थ है यहाँ पर। अब इस तरह से जो ये लाइन खींचा गया है एक पॉइंट से लेकर और दूसरे पॉइंट तक खींचा गया है, और ये एक तरह का सेमी सर्कल फॉर्म करता है। इसको अगर हम कंप्लीट मिला दें तो ये एक सर्कल फॉर्म करेगा, सर्कल जैसा लाइन, तो वैसा है। तो इस तरह से जितने भी आपके मेरिडियंस हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला, इस तरह से बहुत सारे मेरिडियंस हैं, ये सभी जाकर मीट करते हैं आपके पोल पर, यानी नॉर्थ पोल पर और साउथ पोल पर। तो वहीं से हम डिग्री नापते हैं कि आखिर एक मेरिडियन और दूसरे मेरिडियन के बीच में कितनी डिग्री का फासला है, और उसी से हम डिस्टेंस नापने के लिए उसी को हम यूज़ करते हैं। यहाँ पर जैसे देखिए, इनके बीच में जो डिफरेंस होता है, जितने भी आपके मेरिडियंस हैं उनके बीच में डिफरेंस 0 हो जाता है पोल पर, क्योंकि पोल पर जाकर वो सभी एक दूसरे से मिल जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अनलाइक पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, ऑल मेरिडियंस आर ऑफ इक्वल लेंथ। तो देखिए, हमने जैसे लैटिट्यूड में देखे थे कि जो लाइंस होते हैं वो पैरेलल्स होते हैं, उनके बीच में उनका जो लेंथ होता है वो एक दूसरे से अलग होता है, लेकिन जितने भी मेरिडियंस होते हैं उनका जो लंबाई होती है उनकी, वो बराबर होती है, क्योंकि वो एक पोल से दूसरे पोल तक जा रहे हैं, वहीं दूसरा लाइन भी एक पोल से दूसरे पोल जा रहा है, तो उनके बीच में जो लेंथ है उसका डिफरेंस नहीं होता। दस इट वॉज डिफिकल्ट टू नंबर द मेरिडियंस, हेंस ऑल कंट्रीज डिसाइडेड एट द काउंट शुड बिगिन फ्रॉम द मेरिडियन वेयर विच पास थ्रू ग्रीनविच, वेयर इज द ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी इज लोकेटेड, द मेरिडियन इज कॉल्ड प्राइम मेरिडियन। तो देखिए, ये शुरुआत में जब इन मेरिडियंस को बनाया जा रहा था, इन लाइंस को बनाया जा रहा था, इमेजिनरी लाइंस को खींचा जा रहा था, उस समय लोगों के सामने ये बहुत ही दुविधा थी कि आखिर इसका नंबरिंग कैसे किया जाए, शुरुआत कहाँ से किया जाए, 3rd डिग्री कहाँ पे होगा, 4th डिग्री कहाँ पे होगा, 50 डिग्री कहाँ पे होगा, 90 डिग्री कहाँ पे होगा। तो इस तरह की बहुत सारी परेशानी थी, परेशानी नहीं कह सकते, उनके कन्फ्यूज़न थी कि आखिर शुरुआत किस देश से किया जाए। तो उस सभी देश उस समय एग्री हो गए कि जो ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी है वो उसको एक मान लिया जाए, क्या कहते हैं हम, क्या कहते हैं, प्राइम मेरिडियन को क्या कहेंगे, मेन पॉइंट मान लिया जाए, जहाँ से 0 डिग्री गुजरेगी और उसको रिफरेंस के तौर पर यूज़ किया जाएगा, यानी वहीं से काउंटिंग शुरू होगी और वहीं से 1 डिग्री, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 4 डिग्री शुरू होगी। तो इसीलिए उस जगह को, यानी ग्रीनविच जहाँ पे है, जहाँ से प्राइम मेरिडियन गुजरती है, उसको 0 डिग्री लैटिट्यूड कहा जाता है। और जहाँ से हम 180 डिग्री तक नापते हैं, या तो ईस्ट में या तो वेस्ट में, जैसे कि आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं, ये देखिए आपका प्राइम मेरिडियन है, ये है 0 डिग्री, 0 डिग्री, और इधर जाइएगा तो आपका 180 डिग्री ईस्ट तक नापा जाता है, 180 डिग्री ईस्ट, और इसी तरह से इधर जाइएगा तो आपका 180 डिग्री वेस्ट तक नापा जाता है। तो इस तरह से कुल मिलाकर 360 डिग्री, यानी पूरे सर्कल का एक रिवॉल्यूशन बनता है। तो इसका देखिए, मैं आपको थोड़ा सा बैकवर्ड बता देता हूँ, पीछे की बात। उस समय जिस समय ये लाइन खींचा जा रहा था, उस समय ब्रिटिश जो शासन थी वो बहुत
देशों में फैली हुई थी, यानी उपनिवेश उसने बनाकर रखा था बहुत सारे देशों में, इसलिए एक तरह से हम कह सकते हैं उस समय उसका धाक चलता था, इसलिए वहाँ पर सभी लोग राजी हो गए वहाँ पर ग्रीनविच को 0 डिग्री मानने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं हम, द प्राइम मेरिडियन एंड द 180 डिग्री मेरिडियन डिवाइड द अर्थ इंटू टू इक्वल हाफ्स। तो देखिए 0 डिग्री से लेकर अगर 180 डिग्री तक जाते हैं तो वो एक सेमी सर्कल फॉर्म करता है, और इसी तरह से इधर से हम 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री जाएंगे तो वो भी एक सेमी सर्कल फॉर्म करेगा। तो इस तरह से जो 180 डिग्री का जो है 180 डिग्री प्राइम मेरिडियन से 0 डिग्री से 180 डिग्री, वो अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, और इन्हें कहा जाता है ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो जिस तरह से हमने देखा था कि इक्वेटर अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, साउदर्न हेमिस्फीयर और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उसी तरीके से हमारा प्राइम मेरिडियन भी अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर। देयरफॉर द लॉन्गिट्यूड ऑफ अ प्लेस इज फॉलोड बाय द लेटर ई फॉर द ईस्ट एंड डब्ल्यू फॉर द वेस्ट। तो देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं जो प्राइम मेरिडियन का डिग्री दिया गया है, सॉरी मेरिडियन का डिग्री दिया गया है, उसमें आप 30 डिग्री ईस्ट, 60 डिग्री ईस्ट, 30 डिग्री वेस्ट, 60 डिग्री वेस्ट, ये चीज़ आपको देखने को मिल रही है। वो इसलिए क्योंकि देखिए जो वेस्ट डायरेक्शन में होगा, प्राइम मेरिडियन से वेस्ट में होगा, उसे हम वेस्ट उसके डिग्री के साथ लिखते हैं उसका सही लोकेशन जानने के लिए, और जो ईस्ट में होगा उसके साथ हम ई लिखते हैं यानी ईस्ट उसका सही लोकेशन जानने के लिए। तो यहां पर एक बात और ध्यान दीजिए कि 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट जो है वो सेम लाइन पर है, यानी प्राइम मेरिडियन जिस तरह से उसी तरह से बिल्कुल इसके पीछे ये दोनों लाइंस 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट सेम लाइन पर हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउ लुक एट द ग्रिड ऑफ पैरेलल्स ऑफ द लैटिट्यूड्स एंड द मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स ऑन द ग्लोब। यू कैन लोकेट एनी पॉइंट ऑन द ग्लोब वेरी इजली इफ यू नो इट्स लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। फॉर एग्जाम्पल धबरी इन आसाम इज सिचुएटेड एट 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 90 डिग्री ईस्ट लैटिट्यूड, सॉरी लॉन्गिट्यूड। फाइंड आउट द पॉइंट वेयर दिस टू लाइन्स कट इच अदर, द पॉइंट विल बी लोकेशन लोकेशन ऑफ धुबरी। तो यहाँ पर आपको एक तरह से एग्जाम्पल दिया गया है कि देखिए असम में जो आपका धुबरी है वहाँ वो 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर स्थित है। अगर आप ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को फॉलो करेंगे तो आप हमेशा इसी शहर को पाएंगे, ये जो हमारा धुबरी शहर है इसी शहर में आप पहुँचेंगे। तो ये यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर दिया गया, आप चाहे तो इसे पढ़ सकते हैं, मैं एक बार पढ़ देता हूँ। टू अंडरस्टैंड दिस क्लियरली ड्रा इक्वी डिस्टेंस वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन्स ऑन पेपर। तो यहाँ पर आपको एक तरह का टास्क दिया गया, आप चाहें तो इसे कर सकते हैं। आप पेपर लें उसके ऊपर इस तरह से लाइन आप खींच दें और उस तरह का और इसी तरीके से नंबरिंग कर दें। तो आप जब नंबरिंग करेंगे तो स्पेसिफिक डॉट जहाँ पर ये लाइन कट कर रहे हैं एक दूसरे को, इस जगह पर आपको आप इस उस तरह से उसी तरीके से लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड निकालते हैं जिस तरह से आप यहाँ इस पॉइंट का लोकेशन निकालेंगे, जैसे इस पॉइंट का, इस पॉइंट का, इस पॉइंट का, इसी तरीके से। तो मैं इसे नहीं पढ़ा रहा हूँ, आप इसको आप खुद से पढ़ सकते हैं क्योंकि वो आप समझ जाएंगे आप पढ़ने पर। ये देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है जितने भी कंट्रीज़ हैं उन सभी कंट्रीज़ का लोकेशन यानी टाइम जोन जिसे हम कहते हैं, आगे हम टाइम जोन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जितने भी कंट्रीज़ हैं उन सभी का टाइम जोन दिया गया है कि उनका टाइम क्या है और कहाँ। यह देखिए यहाँ पर है ग्रीनविच, इस तरीके से ग्रीनविच लाइन खींचा गया है और इस तरह से ये जाता है, इसी को 0 डिग्री माना गया है 0 डिग्री, और यहाँ से प्लस, और ये घंटा यहाँ पर बताता है +1 एक घंटा टाइम इसका आगे चलता है। अभी इसको रोक देते हैं, अभी हम आगे पढ़ लेते हैं तब आपको ये ज़्यादा समझ में आएगा, अभी समझ में नहीं आएगा। तो अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। तो देखिए लॉन्गिट्यूड का यूज़ टाइम के लिए भी किया जाता है कि आपके घड़ी में जो टाइम अभी बताया जा रहा है उसका वो लॉन्गिट्यूड का यूज़ करके ही दिखाया जा रहा है, और सब पूरे वर्ल्ड का जो टाइमिंग है वो लॉन्गिट्यूड के हिसाब से ही चलता है, यानी जितने भी घड़ी चलते हैं वर्ल्ड में वो सभी लॉन्गिट्यूड के हिसाब से ही चलते हैं। द बेस्ट मीन्स ऑफ द मेजरिंग टाइम इज बाय द मूवमेंट ऑफ द अर्थ। तो देखिए समय का निर्धारण करना कि आखिर अभी कितना समय हो रहा है, इसके लिए जो बेस्ट तरीका है वो है कि जो अर्थ का मूवमेंट होता है
और मून का मूवमेंट होता है और जितने भी प्लैनेट्स का मूवमेंट होता है उसके हिसाब से हम समय का निर्धारण करें कि आखिर अभी कितना समय हो रहा है, कितना टाइम हो रहा है। द सन रेगुलरली राइजेज एंड सेट्स एवरी डे एंड नेचुरली इट इज़ द बेस्ट टाइम कीपर थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो देखिए, हम चाहे तो किसी भी और घड़ी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा सूरज है वो डेली राइज करता है, डेली डूबता है, तो एक तरीके से ये बेस्ट टाइम कीपर है पूरे वर्ल्ड के लिए, जो कि पूरे वर्ल्ड में एक जैसा समय बता सकता है। लोकल टाइम कैन बी रिकॉर्ड बाय द शैडो कास्ट बाय द सन। तो देखिए, जो शैडो कास्ट का जो सिस्टम है जिसको यूज़ करके टाइम निकाला जाता है, उसको उसके अनुसार आप लोकल टाइम तय कर सकते हैं, विच इज़ द शॉर्टेस्ट एट द नून एंड लॉन्गेस्ट एट द सनराइज एंड सनसेट। तो देखिए, शैडो का फॉलो करके एक तरीका होता है जिसमें कि शैडो के हाइट के हिसाब से हम समय का निर्धारण करते हैं कि अभी कितना समय हो रहा है, कितना टाइम हो रहा है। तो उसका उससे भी लोकल टाइम बहुत जगह निकाला जाता है और पहले भी निकाला जाता था। वेन द प्राइम मेरिडियन ऑफ द ग्रीनविच हैज़ द सन एट द हाइएस्ट पॉइंट इन द स्काई, ऑल द प्लेसेस अलॉन्ग दिस मेरिडियन विल हैव द मिड डे और नून। देखिए, जब प्राइम मेरिडियन के ऊपर जो सन है वो हाईएस्ट पॉइंट पर होता है, यानी एकदम बिल्कुल आपका 90 डिग्री पर आपका सूरज की किरणें पड़ती हैं, तो उस समय में जो आप जो ग्रीनविच लाइन है उस पर जितने भी प्लेसेस होंगे वहाँ पर उस समय में नून हो रहा होगा, यानी दोपहर हो रहा होगा, और बिल्कुल मिड डे होगा, मिड डे यानी बिल्कुल दोपहर के 12 बज रहे होंगे जैसा हम कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि 12 बजे ही बिल्कुल ऊपर आता है, वो मिड डे के समय में आता है। एज द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, जैसे जैसे अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है, दोज प्लेसेस ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम एंड दोज ऑफ वेस्ट विल बी बिहाइंड इट। तो देखिए, यहाँ पर आपको ये बात तो शायद मैंने बताया है पहले कि जो अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट मूव करता है, लेकिन हमें सूरज को देखकर लगता है कि सूरज ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है, लेकिन हमारा अर्थ मूव करता है उल्टा। तो उस हिसाब से तो जितने भी प्लेसेस होते हैं ग्रीनविच के ईस्ट में, वो उन सभी का समय ग्रीनविच से आगे चलता है, और जितने भी प्लेस, जितने भी जगह ग्रीनविच से वेस्ट में है उन सभी का समय ग्रीनविच से पीछे चलता है। द रेट ऑफ डिफरेंस कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। तो देखिए, जो डिफरेंस है समय का वो इस तरीके से निकाला जाता है। तो देखिए, अर्थ जो है वो 360 डिग्री मूव करता है 24 आवर्स में, यानी 24 घंटे में वो एक फुल रोटेशन ले लेता है। इसका मतलब ये हुआ कि वो 15 डिग्री एक घंटे में मूव करेगा, 1 आवर एक घंटे में वो 15 डिग्री मूव करेगा। और तो इस हिसाब से जब 12 बज रहे होंगे दोपहर के ग्रीनविच में जब 12 बज रहे होंगे दोपहर के, तो उसी समय में 15 डिग्री ईस्ट में ग्रीनविच के, यानी ग्रीनविच से जो 15 डिग्री ईस्ट में जो जगह है, जो जितने भी जगह आते हैं वहाँ पर समय एक घंटा आगे चलेगा ग्रीनविच से, एक घंटा आगे। इसका मतलब ये हुआ कि उस समय में उस जगह पर 1 PM हो रहा होगा, यानी ग्रीनविच मान लीजिए आपका 0 डिग्री पर है, तो उसी तरीके से 15 डिग्री ईस्ट जो जगह होगी, जिस जगह का ये मेरिडियन का डिग्री होगी, वहाँ पर एक घंटा आगे चलेगा समय, यानी कि करीब 1 बजेंगे, दोपहर के 1 बजेंगे, जबकि आपका प्राइम मेरिडियन पर यानी ग्रीनविच पर उस समय में 12 बज रहे हैं। इसी हिसाब से सारे जगहों का जो टाइम है वो कैलकुलेट किया जाता है, और इसी तरीके से जो वेस्ट में होगा 15 डिग्री उसका समय एक घंटा पीछे चलेगा, यानी कि करीब दोपहर के 11 बजेंगे। सिमिलरली एट 180 डिग्री, यानी कि 180 डिग्री पर इट विल बी मिड नाइट वेन इट इज़ 12 नून एट ग्रीनविच। तो इसी तरीके से जो 180 डिग्री है हमारा, तो वो तो ईस्ट वेस्ट नहीं होता क्योंकि वो दोनों एक ही लाइन पर पड़ते हैं। 180 डिग्री में आपका जो समय है वो 12 घंटे आगे चलेगा, 12 आवर्स, यानी कि दोपहर के जब 12 बज रहे हैं ग्रीनविच में यानी कि इंग्लैंड में, उसी समय में जितने भी जगह जो हमारे 180 डिग्री पर आते हैं वहाँ पर उस समय में रात के 12 बजेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। एट एनी प्लेस वॉच कैन बी एडजस्टेड टू रीड 12 o'clock व्हेन द सन इज
एट द हाइएस्ट पॉइंट इन द स्काई, दैट इज व्हेन इट इज मिड डे. द टाइम शोन बाय सच अ वाज विल गिव द लोकल टाइम फॉर दैट प्लेस. यू कैन सी द ऑल द प्लेसेस All the places on the given meridian of longitude have the same local time. तो देखिए इसी तरीके से जितने भी आपके देश हैं या फिर लोकल टाइम जोन है वहाँ पर एक पॉइंट होता है जहाँ जिस पर जब दोपहर में बिल्कुल सूरज की जो किरणें होती हैं वो सीधी पड़ती हैं और उसी को मिला लिया जाता है 12 o'clock से, यानी कि 12 बज रहे हैं वहाँ पर उस समय, इस हिसाब से कैलकुलेट कर लिया जाता है, यानी कि कैलकुलेट कर लिया जाता है कि वहाँ पर अभी 12 बज रहे हैं और इस हिसाब से वो जो टाइम जोन है वहाँ पर समय को मिला लिया जाता है और उसी हिसाब से पूरे उस टाइम जोन का या फिर पूरे देश का समय लोकल टाइम चलता है. तो इस वीडियो में इतना ही रोक देते हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे व्हाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम, यानी हम स्टैंडर्ड टाइम को क्यों यूज़ करते हैं. नेक्स्ट वीडियो का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे चेक कर सकते हैं और उसे देख लें. तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय.